चलो सीधा पॉइंट पे आते हैं देखने के लिए। एक लड़का है जिसका नाम है रॉजर। वो स्कूल की छुट्टियों के लिए अपने घर पे पहुंचता है। वो राजा महाराजाओं के घर का है, ठीक है। वो स्कूल की छुट्टी लेकर यहाँ पे आया है कुछ दिनों के रहने, एक हफ्ता जो 4 हफ्ता, लेकिन इन 4-5 हफ्तों में जब वो सीन करेगा ना, वो नेक्स्ट लेवल पे। क्योंकि एक उसको जो लेने आ रही होती है, उसका नाम होता है मिसिज म्यूलर, उनका कोई हस्बैंड नहीं है, वो उन पर भी नजर डालना चालू कर देता है। क्योंकि वो बस इस उम्र में चाहता है कैसे भी करके मैं कुछ कर जाऊँ, मैं कुछ बड़ा कर जाऊँ अपने हाथ में लेके, मैं कुछ बड़ा कर जाऊँ, वो सिर्फ ये चाहता है। अब वो घर पर जाता है, घर पर 3 नौकरानियाँ होती हैं, मार्गरेटा, म्यूलर, हेलेन। हेलेन जो है एक वो है एक बुढ़िया आंटी है, अच्छी खासी, वो उसे बचपन से जानती है, लेकिन वो आज तक उनकी शादी नहीं हुई। मतलब शी नेवर लूज हर वर्जिनिटी। यही था उस लड़के का, ये है वो। ये लड़का ये सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, कहीं मैं देख लूँगा। उसकी एक छोटी बहन है जो ये सब बताती है, इस महल के बारे में, घर के बारे में, सब कुछ बताती है, लेकिन लड़के का दिमाग से वहीं जाता रहता है। एक दिन होता क्या है कि मिसिज हेलेन जाके कहीं अपने जो ये रॉजर है कहीं घर पर लेटता है अपने बेड पर, तो मिसिज हेलेन जाके उस पर गिर जाती है गलती से। तो वो उसके दिमाग में बैठ जाती है बात कि मेरे ऊपर गिरी थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मिसिस हैन अगले दिन जाके, वो होता है ना प्रीस्ट में कि वो लोग कन्वेंस करते हैं कि मैंने गुनाह कर दिए, मुझे माफ़ कर देना, वही वो जाके वो कर रही होती है। तो वो ऊपर जाके देख रहा होता है, वो बोलती है कि मुझे कल वो लड़का अच्छा लगा जिनने मुझे उसकी बॉडी का टच बहुत अच्छा लगा। तो वो ऐसा बोलती है, लड़का और खुश हो जाता है कि यार मेरे तो मज़ा आ गया, इसको अच्छा लगा। और एक तो वो जंगल में जा रहा हो तो जंगल में वो होते हुए देखता है, क्योंकि ये जो नौकरानी है ये किसी के भी साथ कभी भी कुछ भी दे देती है, मतलब जिसको कुछ चाहिए वो उसका दिल हल्का करने के लिए अवेलेबल रहती है। वो उनके साथ ट्राई करता है तो उनके सर पे खोपड़ा फोड़ देती है, मतलब खोपड़ा फोड़ देती है, तो वो बेहोश हो जाता है बेचारा। लेकिन एक दिन वो बिस्तर लगा रही होती है, तो एक दिन अपने हीरो को मिल जाता है मौका, और वो इनके साथ जो मैंने शराब में दिखाया था वो सीन कर लेता है। और यहाँ पे ऐसा है कि नौकरानी के साथ कोई कभी भी गेट में पकड़ता है और काम अपना दिल हल्का कर लेता है, और ले जा वो जा वही कर देता है। और वो उसको भी एक दिन नौकरानी के साथ हो जाता है, ठीक है। अब नौकरानी के साथ हो गया, अब वो घूम रहा होता है इधर उधर। वो जो मिसिज हेलेन के बारे में बताया था, मिसिज हेलेन को भी वो कैसे भी करके पटा रहता है अपने साथ करने के लिए, और वो उनके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अब बस्ती कौन है, वो है मिसिज म्यूलर। मिसिज म्यूलर देने से मना कर देती हैं, मतलब देने क्या मतलब वो देना मतलब खाने देने से मना कर देती हैं। तो वो वापस नौकरानी के साथ करने लगता है, लेकिन एक दिन फॉर्म में एक आंटी होती हैं, वो उनके साथ भी कर देता है, मतलब फॉर्म में, मतलब होता है ना बांध जिसे बोलते हैं, घोड़े वोड़े को खिलाते हैं चारा वगैरह, वो वहाँ पे भी कर देता है। और कई लड़कियों के साथ वो ये सीन करता है। अब ऐसे करके गिनती की 3-4 लड़कियाँ हो जाती हैं, 4-5 लड़कियाँ हो जाती हैं। अब धीरे धीरे करके समय आने लगता है उसकी छुट्टियाँ ख़त्म होने का, लेकिन वो फुल इन्जॉय में होता है। और अब वो तीनों आके उसे एक एक करके खबर बताती हैं कि तुम तो पापा बनने वाले हो, ऐसा बोलती हैं वो, मतलब आई एम प्रेगनेंट, ऐसा बोलती हैं। मिसेज हैरन भी बोलती हैं, मिसेज मेरी भी बोलती हैं, मार्गरेटा भी बोलती हैं, और एक नौकरानी थी वो भी बोलती हैं। और वही उस रिश्ते में तो उसकी एक आंटी भी थी, जो ये हैरन ये इसकी आंटी है रिश्ते में सगी। वो कहता है वही तो जो तुमने मुझे बचपन में किस किया था ना, वही करना चाहता हूँ। वो एक बार वो करती हैं, फिर वो उनके साथ कर लेता है, वो भी प्रेगनेंट हो जाती हैं। अब वो पता क्या करता है, कितना चलाक होता है वो। वो उन तीनों से बोलता है कि तुम्हें एक लड़के का नाम ले दो, वो आदमी है मिसेज म्यूलर का हस्बैंड, शादी तो नहीं हुई थी लेकिन हो सकती थी, तुम उसका नाम ले दो, तुम तीनों बोल देना कि मुझे तो इसने करा है। और वो उन दोनों को कुछ नहीं बोलता है, और वो इन्जॉय कर करके अपना मतलब पूरा दिल हल्का करके वो छुट्टियों के लिए जाने वाला होता है। कि होता ये है कि सबको पैंट करने के बाद उसे पता चलता है कि जर्मनी में जंग होने वाली है, जमकर संभोग करता है, तभी अगला सीन उसी कप ट्रे वाली मेड की ओर शिफ्ट होता है, जो कि सेक्स के लिए किसी को ढूंढ रही होती है, जो कि सभी लोग जंग में गए हुए होते हैं। तो वह रोजर के रूम में जाती है, तभी रोजर उसे पकड़कर सेक्स करने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रोजर के पास सभी मेड और उसकी मौसी एक एक करके आती है, और वह उसे बताती है कि वे सभी प्रेग्नेंट है। तब रोजर मार्गरेटा से कहता है कि वह मिस्टर फ्रैंक के साथ सेक्स करे, ताकि यह बच्चा उनका साबित हो सके। अगले सीन में रोजर कप ट्रे वाली मेड के साथ सेक्स करता दिखाई देता है, और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी मर्द जंग से वापस लौट आते हैं, और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें।